हमारे चैनल में स्वागत है। मैं अमरिंदर सिंह बिहारी, बिहारी प्यार से बोलते हैं, और ऐसे मेरा नाम है अमरिंदर सिंह। और मैं एक पिक्चर में, मैं पहली बार पिक्चर में काम करने जा रहा हूँ स्वाभिमान। और इस प्रोड्यूसर हैं NRI राम शर्मा, जो हमारे फूफा जी लगते हैं। और इसी बीच में हम लोग प्लान किया कि फूफा जी एक पिक्चर क्यों नहीं बनाया जाए। तो फूफा जी ने कहे कि ऐसा कौन हीरो को लेकर बनाया जाए, मेरा तो हीरो तो गौन भैया है, तो उसको मैं ज़्यादा करता हूँ प्यार, उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ उनको लेकर एक फिल्म बनाता हूँ। इसी बीच में हम लोग बनाना चाहा, तो ऐसा पिक्चर बनाया जाए कि भोजपुरी से जो फिल्म जो है हट के बनाया जाए। तो इसी बीच में हम लोग विचार किया कि भैया के ऊपर देखते हुए, जो मैं जिसे मैं प्यार करता हूँ बन भैया, तो उसी हिसाब से मैंने स्वाभिमान फिल्म बनाया। दो जमींदारों की लड़ाई है, जो आजकल आप देख रहे हैं लाइफ, जो गोटिया में लड़ाई जो होते हैं, एक दूसरे को झगड़ा होते रहते हैं, उसी पर हम लोग बनाया गया। एक अच्छी कहानी को लेकर मैंने, जो होता है ना एक पिक्चर जो आजकल में जो होता है लड़ाई, दो गोटियों की लड़ाई, उसी पर हम लोग दर्शाया गया। क्या रोल प्ले करना है इसमें आप? बस इसमें क्या है सर कि इस पिक्चर में एक हरिजन ताल्लुक से रखता हूँ, परिवार से रखता हूँ। और इसमें सेकंड हीरो भैया ने मुझे रखा गया है, तो जो मेरे भैया जो है वरुण सिंह, तो हरिजन से ताल्लुक रखता हूँ, वो फॉरवर्ड से हो गए। और तो जमींदारों की लड़ाई आजकल देखते हैं कि सरकार योजना जो चला रहा है आजकल में, तो ऐसा होता है कि सरकार हम लोग को जो हरिजन जो दिया जाता है कि आप लोग को ज़मीन दे दिया जाएगा, उसी पर कुछ लोग कमज़ोर समझ कर वो सटाते हैं कि सारा मेरा ज़मीन है, ये सरकार का अधिकार नहीं है, वो सब मेरा बाप दादा का है, उस पर एक दर्शाया गया है। और इसमें क्या है कि एक हम लोग को सोच कि आजकल जो हो रहे दोनों भाइयों की लड़ाई, तो हम चाहते हैं कि दोनों भाइयों की लड़ाई ऐसा ना हो, दोनों प्रेम मिल के रहें, तो सभी हम एक जात लेकर चलना चाहते हैं। पवन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उनका कितना सपोर्ट है? पवन भैया तो हमारे, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। भैया तो मेरे लिए तो मेरा दर्द वही समझते हैं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसे इतना प्यार करता हूँ, समझिए कि वो मेरे लिए भगवान है। और मेरे दर्द वही जानते हैं कि इसके कमी क्या है, और वही दो जी मेरे फूफा जी राम शर्मा और मेरे भैया जो हैं बॉर्ड अफ्तर, हमको अंदर के बात समझ कर मुझे समझाया, बेटा अच्छा से करो। और मुझे भाई और एक बेटा के दोनों समान मुझे रहते हैं, जैसे मेरे लिए वो राम जी हैं, मैं उनके लिए मैं लक्ष्मण बनकर रहूँगा। वही मैं दिखाया स्वाभिमान, तो वही मैं स्वाभिमान दिखा रहा हूँ कि जैसा भी मैं रहूँ, मैं ये रहूँ चाहे वो रहूँ, मेरे भैया जो बहन भैया जो है, मुझे सारा रास्ता, मुझे ज्ञान जो इस लाइन कैसे होते हैं, सारा चीज मैं उन्हीं से सिखाऊँ। तो इससे पहले आपने क्या क्या वर्क किया था? इससे पहले मैं सर, मैं एक छोटा सा 650 बच्चे को डांस सिखाता था, तो एनुअल डे एनुअल फंक्शन जो होते हैं ना, एक अपना क्लब चलाता हूँ डांस क्लास का, उसी में सारे बच्चों को डांस सिखाते थे। और इसी बीच में लॉकडाउन लग गया, उसी में मेरे फूफा जी आ गए, तो फूफा जी के साथ हम लोग एक टिकटॉक बनाते थे, तो टिकटॉक बनाते बनाते फूफा जी के साथ मैं भी डांस करता था। इसी बीच में मैंने एक वीडियो बनाया टिकटॉक, उसमें लंगड़ा का चाल चला, इसमें लंगड़ा चला, तो फूफा जी सोचे कि ये लड़का तो अच्छा टैलेंट है, तो इसको पिक्चर में क्यों नहीं काम दे दिया जाए, बिहारी तुम पिक्चर बनाओ, बेटा तुम, मैं तुमको साथ देता हूँ। तो मैं बोला कि फूफा जी अगर आप साथ देते तो मैं जरूर पिक्चर में काम करूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हाँ पिक्चर में काम करूँगा तो बहुत भैया के अलावा किसी के साथ मैं काम नहीं करूँगा, फिर न तो मुझे अकेले बनाइए। तो इसी बीच में मनीष से हमारी बात हुई, जो चंद्रभूषा मनी हमारे गुरु जी हैं, तो इसी बीच में हमारी बात हुई, और बात होते 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 अंत में मीटिंग करवाए तो किसको लेके बनाया जाए, तो हम बनाएंगे तो बहुत भैया के साथ बनाएंगे, तो फिर हम किसी के साथ नहीं बनाएंगे, जो भी हीरो, कहे कि मेरे लिए वही है जो मेरा कहानी है, तो बहुत भैया ही कर सकते हैं, भोजपुरी में कोई माइकला नहीं है, तो मेरा कहानी है स्वाभिमान कोई नहीं कर सकता है, लेकिन रियल में कैरेक्टर उन्हीं पर उतारा गया है। और उससे अलावा स्वाभिमान का मतलब कि उन्हीं पर चेहरे पर पूरा लुक पूरा सजाया गया है, और रियल में वही स्वाभिमान है जो मेरे भैया है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से क्या कहना, ऑडियंस क्या कहना चाहते? तो क्या बोले सर, हम लोग तो क्या जो भी हम लोग करेंगे सर, तो आने वाला समय जो क्या बोले सर, इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो भी आने वाला समय जो सब बता देंगे।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी सर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और इस फिल्म के बारे में बताइए जिसमें आप शूटिंग कर रहे हैं। मेरा नाम किरण सिंह है और मैं काफ़ी सालों से एक्टिंग कर रही हूँ। मैंने पहले थिएटर किया था दिल्ली से, उसके बाद मुंबई में मैं काफ़ी टाइम से हिंदी फिल्मों में, सीरियल में और एड्स में काम कर चुकी हूँ। उसके बाद पहली बार मुझे अभी भोजपुरी मूवी में काम करने का मौका मिला। मनीष सर ने मुझे कांटेक्ट किया था, अमरेंद्र ने कांटेक्ट किया था, तो फिर उनके थ्रू मैं यहाँ पर आ गई। मैडम आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आकृति नेगी है, मैं भी मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली एक्टिंग में काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन भोजपुरी में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और आई होप सो मैं अच्छा करूँ। भोजपुरी की जो जनता है उन जो मैं जब मैं स्क्रीन पे आऊँ तो उन्हें मुझे देख के अच्छा लगेगा कि हाँ लड़की आई है। मैं भोजपुरी से बिलोंग नहीं करती बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना 101% दूँ, भोजपुरी की जनता को इम्प्रेस कर सकूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरी यही वो रहेगी, कोशिश रहेगी कि मैं बहुत अच्छा करूँ इस मूवी में। सर आप अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम कमल कृष्ण है और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। भोजपुरी दर्शकों, मैं बॉलीवुड से जुड़ा हूँ लेकिन भोजपुरी फिल्म से मेरी एक प्रेम कैसी है कि देखिए, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है भोजपुरी की मातृभाषा, वो हमारी राष्ट्रभाषा से मिलता जुलता है। जो अच्छा भोजपुरी बोल लेता है बहुत अच्छा हिंदी बोल सकता है। तो मैं जुड़ना चाहता हूँ भोजपुरी फिल्म से, कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, इस बार भी जुड़ गया और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि देवेंद्र सर, धनंजय भैया के साथ मैंने मेरा भारत महान कर चुका था और पवन भैया ने मुझे कहा कि कमल जी दूसरी फिल्म आपके साथ करेंगे, तो मुझे खुशी मिलती है कि मैं सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी जगह प्रतापगढ़ में आके शूट कर रहा हूँ, मेरे लिए खुशी की बात है, खलनायक का भूमिका निभा रहा हूँ सर। मैडम अभी आपने कहा कि आपकी ये पहली फिल्म है और आप भोजपुरी नहीं करती थी, तो क्या वजह थी कि भोजपुरी में आपने एंट्री किया? क्या होता है ना, कभी कभी स्टोरी हिट कर जाती है। स्टोरी ऐसी थी, फैमिली था, फैमिली वाली स्टोरी है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी स्टोरी है जहाँ पे मेरा जो परिवार है वो बैठ के इस मूवी को देख सकता है। मुझे पता है उन्हें भी कहीं ना कहीं भाषा का थोड़ा सा वो होगा कि उन्हें भी हल्का फुल्का ही होगा कि समझ, लेकिन उनके लिए अच्छा होगा कि मैं एक अच्छी स्टोरी में काम कर रही हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। बस यही खुशी की बात है। मैडम आप बताइए, आपको ये पहली फिल्म है तो कैसे आपने चुनाव किया भोजपुरी में भी एंट्री करनी चाहिए? भोजपुरी एक्चुअली मेरे पास काफ़ी टाइम से ऑफर आ रहा था, लेकिन मैं कश्मकश में थी मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें चलती रहती हैं भोजपुरी के बारे में कि कुछ मतलब बहुत सारी वल्गैरिटी वाले भी आते रहते हैं। तो मेरी फैमिली लखनऊ से है तो हमेशा से वो ये बोलते थे कि अच्छा ही काम करना, तो मैं भी हमेशा से ऐसे ही काम करना चाहती थी जहाँ पे कुछ मैं अपने परिवार के साथ बैठ के देख पाऊँ, जो कि अभी आकृति ने बोला एग्जैक्टली। तो मुझे जब ऐसा मौका मिला, सर ने मुझे बताया बिल्कुल पारिवारिक मूवी है, तो मुझे लगा यही वो मूवी है जिसमें मैं काम कर सकती हूँ। तो जैसा आपने सुना कि पारिवारिक मूवी में काम कर रही है, शूटिंग शुरू हो चुकी है और आप काम कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने सुना था फिल्म के बारे में, इसलिए काम हो रहा है अभी, मतलब हमारा पार्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हो चुका है, तो जब हमारा पार्ट शुरू होगा तो बताएंगे धीरे धीरे। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम इस फिल्म को लेकर के? कुछ नहीं, बस यही कहूँगी कि जो सोच के आई हूँ मुंबई से इस मूवी के लिए, वो जल्दी से शुरू हो जाए, बिकॉज पवन सिंह जी के साथ काम करना बहुत लोगों का सपना बन चुका है और कहीं ना कहीं हमारा भी वो सपना यू नो कंप्लीट होने जा रहा है, तो वही बहुत खुशी की बात है। तो आप मैडम, आपके वही सपना रहेगा पवन जी के साथ स्क्रीन शेयर करें? बिल्कुल, पवन जी भोजपुरी के शाहरुख खान हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा। मैडम आपको पवन जी क्या लगते हैं, शाहरुख खान या सलमान खान? दो एक्ट्रेस और दो अलग अलग रूप में देखते हैं पवन जी। तो सर आप विलेन हैं, आप आमिर खान जैसा लुक लिए हैं, आपको पवन जी किस रूप में नजर आते हैं? पवन जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, उनकी आवाज की मैं क्या कहूँ, देखिए बहुत दीवाने हैं और ही इज वेरी गुड एक्टर। और उनका कोई मैं दूसरे का नाम लेके नहीं बोलना चाहता, सच वेरी गुड एक्टर पवन जी, अपने आप में पावर स्टार है।
और मुझे खुशी मिलती है कि मैं उनके साथ दो दो फिल्म कर रहा हूँ, इसके बाद तीसरी फिल्म भी शायद कर रहा हूँ, शायद नॉट श्योर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, एनर्जेटिक एक्टर हैं, फाइट भी अच्छा करते हैं और बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए हैं और भोजपुरी उन्होंने पहली फिल्म जब बतौर प्रोड्यूसर उनको फिल्म बनानी थी तो भोजपुरी भाषा उन्होंने चुना, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए सराहनीय प्रयास के लिए, किस तरह सराहना करना चाहेंगे, क्या उनको फिल्म? देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हम अपनी माताओं से बहुत प्यार करते हैं हर बच्चे, तो जैसे यहाँ से वो बाहर गए कमाने के सिलसिले में, पेट के खातिर लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ रह के भी यहाँ पे मैं कुछ करूँ, उनको वो हिंदी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपनी मातृभाषा को चुना जो बिहार और यूपी से बनाया जा सके, उन्होंने सबसे पहले, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने पावर स्टार पवन जी को चुना जो फिल्म को अच्छी क्वालिटी में बनाए, तो अच्छे देवेंद्र जी DOP हैं, काफ़ी अच्छे टेक्नीशियन लेकर उन्होंने फिल्म स्टार्ट किया, और मुझे खुशी ये मिलती है कि NRI होके भी उन्होंने अपनी मातृभाषा को छोड़ा नहीं, सबसे पहले भोजपुरी से स्टार्ट करें, और भोजपुरी की सबसे पहली बात बताता हूँ सर, देखिए जो हमारे सह कलाकारों ने उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्म को थोड़ा वल्गेटी, हाँ सर ये चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब ये स्वाभिमान जो है ये कुछ चेंज कर बदल दे कुछ, क्योंकि हद तक बदलना ज़रूरी है, क्योंकि सर जब तक महिला पिक्चर देखने थिएटर में नहीं आएंगी तब तक फिल्म को वो प्रमोशन, वो लेबल, वो ऊंचाई नहीं मिलेगी, तो मैं भी चाहता हूँ महिला के साथ बैठा हूँ, मैं भी सम्मान करता हूँ इनका काफ़ी, इनका जो सोच है मेरा भी वही सोच है, महिला आए दर्शक बन के थिएटर में देखें और पिक्चर सुपरहिट हो और स्वाभिमान बनी है पारिवारिक फिल्म। जी मैडम, आप क्या कहना चाहें फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनके बारे में? राम शर्मा जी हैं प्रोड्यूसर इस मूवी के, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने वो पहली बार मूवी बनाई, मुझे इसी बात पे बहुत खुशी हुई कि वो फर्स्ट टाइम मूवी बनाने जा रहे हैं और इतनी पारिवारिक मूवी बनाने जा रहे हैं, उनकी सोच है ये कि उन्हें अगर मूवी करनी है तो एक ऐसी मूवी करनी है जिसमें लोग बैठ के उस मूवी को देखें और उसके अच्छे रिव्यूज़। मैं यही बोलना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सीधे इंसान है वो राम शर्मा जी, और पोलैंड में होने रहने के बाद भी, इतने सालों के बाद भी वो अपनी मातृभाषा में मूवी बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और उनके साथ साथ उनका बेटा भी लॉन्च हो रहा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है वो, तो चलिए देखते हैं आगे क्या रहता है मूवी, मतलब फ्यूचर हीरो आप देख रहे हैं, प्यारा बच्चा के क्या बहुत प्यारा है। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? दर्शक को हम तीनों को लीजिए, दर्शक को हम तीनों ये कहना चाहते हैं, सभी महिलाएं भोजपुरी फिल्म देखें, और ये स्वाभिमान महिलाओं के लिए स्पेशल बनाया गया है, स्पेशली महिला, ताकि आज तक भोजपुरी फिल्म को सिर्फ पुरुष ही एंजॉय करते थे, फिल्म देख के मनोरंजन करते थे, लेकिन पहली बार राम शर्मा जी ने ऐसी फिल्म लेके आ रहे हैं जो महिलाओं के लिए थिएटर में अनिवार्य आना जरूरी है, ये पारिवारिक फिल्म, उनके अंदर हिचक ना हो, महिला पुरुष साथ में आए, परिवार के साथ आए, उनके अंदर कोई हिचक ना हो कि मैं अपनी बीवी या अपनी माँ के साथ आया तो मैं इस मूवी को नहीं देख पाऊँगा, वो उठने वाला सीन ना हो कि चलो बीच में से उठ के चले जाओ, वो वाला सीन पूरी मूवी देखेंगे वो इंजॉय करेंगे इस मूवी को, जिसमें बहुत अच्छे गाने भी हैं, बहुत अच्छा एक्शन, तो मैं खुद ही अभी एक्शन एक्टर हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, और हमारे श्री जी हैं जो बहुत बड़े फाइट मास्टर हैं, बहुत अच्छा टेक्निक कर रहे हो, एक्शन तो यही है लेकिन इसमें इमोशनल ड्रामा, अपनापन, महिला और पुरुष में जो प्रेम, मतभेद, अपनापन सब कुछ है सर, एक बार अवश्य सभी महिला भी एक बार स्वाभिमान को थिएटर में आकर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, धन्यवाद मैडम। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और आप कहाँ से हैं और किस तरह से ये फिल्म आपको? नमस्कार, मेरा नाम गुलशन है, मैं झारखंड रांची से हूँ, मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं यहाँ प्रतापगढ़ में आई हुई हूँ, हमार स्वाभिमान मूवी का शूटिंग है, मुझे राम सर जो कि प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस पिक्चर से जुड़ूँ, मेरा ये पिक्चर पहली फर्स्ट टाइम है और मैं काफ़ी अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे इस पिक्चर में पावर स्टार पवन सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है, जिन्हें हर कोई जानता है, बिहार के सुपरस्टार हैं, जिस तरह हमारे बॉलीवुड के सलमान खान हैं वैसे ही भोजपुरी जी। क्या कहना चाहेंगे पवन जी के साथ पहली फिल्म स्क्रीन से? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ,
कि मुझे फर्स्ट टाइम चांस भी मिला तो भोजपुरी के सुपरस्टार के साथ चांस मिला है स्क्रीन शेयर करने का। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो उनके बारे में क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर सर का मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी मूवी में चांस दिया है, ये मेरे लिए वाकई बहुत ही अलग की बात है। मनी सर भी बहुत अच्छे हैं जो कि हमारे डायरेक्टर हैं। सर आप अपने बारे में बताना चाहेंगे कि भोजपुरी आप पहली बार कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम नरेश चोपड़ा है। मैंने 72 सीरियल किए हैं, घर एक मंदिर, बंधन, कसम, खोफ, पवित्र, प्रतिज्ञा से लेकर अभी तक जितने सीरियल आपके आशीर्वाद से आ रहे हैं चैनल के, मैं प्रणाम करता हूँ उस चैनल को जिसकी वजह से मुझे काम मिलता है। और आज मेरा नेक्स्ट सीरियल जो चालू है जो हिंदुस्तान में पॉपुलर हो चुका है, मेरी प्यारी बहू, और दूसरा अभी जो छोटी सहेली और छोटी महारानी, में तीनों में मैं हूँ। और कुदरती भगवान की कृपा है मेरे पे, अभी मैं यहाँ सरदार बना इस सेट पे, मतलब इतना अच्छा सेट है ये मनी जी का स्वाभिमान सेट, जिसके अंदर मुझे इतना प्यारा दविंदर जी हमारे कैमरा मैन है, धनंजय भैया है, मणि जी है, ये सब मेरे एक ग्रुप है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। सर मैं भोजपुरी में आना चाहता था, हालांकि हिंदी का कलाकार हूँ, मुझे कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी प्यास है कि मैं भी भोजपुरी बोलूँ और भोजपुरी में आऊँ। बस एक ही तमन्ना थी कि मैं भोजपुरी में आऊँ, इसलिए उसके बाद मैं छोटी सरदारनी में भी आया। और जब मैं छोटी सरदारनी से आया तो यहाँ सेलेक्ट हो गया कि आपको सरदार का रोल करना है। और मैंने 3 फिल्में पवन जी सुपरस्टार के साथ की है, उनके आशीर्वाद से। पहली फिल्म मेरी चांदी है, जो इंडिपेंडेंट विलन हूँ मैं, जिसके अंदर मुझे देवेंद्र भैया ने, धनंजय भैया ने, मणि भैया जी ने सब ने आशीर्वाद इतना दिया कि नरेश जी आप हमारे साथ रहो, और इसके आशीर्वाद से स्वाभिमान में भी आया। और मेरा भारत महान तो एक महान ही था, अचानक मुझे बुलाया गया, मैं बहुत खुश हुआ। चलो रवि किशन जी भी हैं उसमें, मेरा भाग्य है कि मैं रवि किशन जी के साथ पहली फिल्म किया, और सुपरस्टार तो हमारे पवन जी थे और देवेंद्र भैया उसमें डायरेक्टर थे। और मेरा भाग्य देखो कितना है, पंजाबी पुत्र हूँ, लेकिन का बोली का नहीं, का कर इतनी सब करता हूँ, क्योंकि इन लोगों से सीख कर आज मैं भोजपुरी के अंदर छोटा सा कलाकार बनना चाहता हूँ, उन डायरेक्टरों के अंदर घुसना चाहता हूँ कि सर मेरा मन अब भोजपुरी पर आ गया। और ये स्वाभिमान के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सभी चैनलों का धन्यवाद करता हूँ कि हिंदी के कलाकार को कोरोना के अंदर, आज मैं 90 दिन से फ्री नहीं हूँ, बिजी हूँ, इसलिए यूपी प्रणाम और भोजपुरी को प्रणाम, बिहार को प्रणाम, और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को प्रणाम जिन्होंने मुझे यूपी, आज तक मैं लखनऊ बम्बई देखा नहीं था, जौनपुर नहीं देखा था, सब कुछ मुझे दिखा दिया। जय हो यूपी महाराज की, जय हो। सर बात की जाए पवन जी की, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पवन जी तो बहुत दिल के हीरे हैं सर, उनका मेरा एक इंटरडक्शन ऐसा हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे पंजाबी होकर, सच्ची बोलते हैं हम लोग तो पंजाबी हैं, एक जिद्दी फिल्म थी जिसके अंदर मैं एंट्री किया पहली बार, तो उन्होंने मेरी लुक को देखा, देखो इसको बोलते हैं हीरो, बोले ये बाली जी कलाकार कौन है, जिद्दी फिल्म यानी कि पवन सुपर स्टार की, तो बोले ये कलाकार सीरियलों में बहुत आता है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, लगता है आर्टिस्ट है। तो बाली जी ने मुझे जिद्दी फिल्म में पहला ब्रेक दिया, उसके बाद भगवान की इतनी कृपा हुई कि धनंजय भैया, देवेंद्र भैया, मणि जी भैया, और मुझे रवि सिन्हा ने भी हथकड़ी में दिनेश लाल के, सारीलाल यादव के साथ मौका दिया। उस ब्रेक से चलता चलता सर मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ लेकिन पंजाबी हूँ, लेकिन घुसना चाहता हूँ यूपी में। ये मेरी खुशकिस्मत है कि भोजपुरी ने मुझे खाना भी दिया, दूध भी दिया, लस्सी भी दिया, अच्छा रूम दिया, खाने को हर चीज़ दिया, और मेरे महार भारत में, मेरे महा इस यूपी के अंदर, मैं एक बार चैलेंज से करता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, अगर आप आना चाहते हैं तो यूपी में आज भोजपुरी फिल्म सबसे आगे आ गई है सर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदी फिल्में कम हो गई हैं, और मैं हिंदी का कलाकार होकर बोल रहा हूँ कि भोजपुरी आज एक नंबर पर चली गई सर। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? इस फिल्म को लेकर के यही कहना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वो हमारे पिक्चर को पसंद करें और जितना हो सके अपना प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धामा जी, बात करें कभी आप क्लीन सेव होते हैं, कभी मूंछों में होते हैं, कभी छोटे बाल, कभी बड़े बाल, आज चश्मा पहने हुए मूंछों पे तो हीरो लग रहे हैं, तो कहीं आप पवन जी की बराबरी तो नहीं करने रहे हैं हमारे स्वाभिमान में? पवन जी का बराबरी कोई कर नहीं सकता है, और खास करके मैं अपने बारे में, पवन जी के बारे में, वो तो सूरज को दिया दिखाने जैसी वाली बात है, पवन जी पवन है और पावर स्टार, और काम है एक छोटा सा कलाकार धामा वर्मा। मैं अपने काम बेहतर करने का कोशिश करता हूँ, पवन जी का ही मैन और हीरो वाली इमेज है, मैं कैरेक्टर करता हूँ, ज़्यादा कॉमेडी करता हूँ, निगेटिव पॉजिटिव,
हर तरह के कैरेक्टर करता हूँ और करना चाहता हूँ। ये मूंछों का नाम क्या है? बड़ी शानदार मूंछ आपके ऊपर जच रही है। वो क्या है कि मैं अपने से खुद से नहीं रखता मूंछ, ये मूंछ जैसे पिछली फिल्म में क्या था कि राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोले कि जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं वो हमारे मित्र भोजपुरी के बड़े राइटर जिन्हें बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड मिला है बीरू ठाकुर, उन्होंने कैरेक्टर डिसाइड किया था, मेन कॉमेडी रोल था जस्ट लाइक ब्रह्मानंदम साउथ का, बोले थे कि धामा जी आपकी मूंछ नहीं चाहिए, तो मूंछ छिलवानी पड़ी। यहाँ चंद्रभूषण मणि जी जो पहले भी मुझे थिएटर की दुनिया में दो बार अवार्ड दे चुके हैं, ऑल ओवर इंडिया ड्रामा कंपटीशन करवाते थे जिसमें करीब 100-200 टीमें भाग लेती थी, एक बार अध्यक्षीय पुरस्कार दिया था उन्होंने और एक बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था, ये थिएटर की दुनिया में, तो मैं इनको थिएटर की दुनिया से जानता हूँ। इन्होंने कई ऐसे प्ले लिखे हैं जैसे खुनवा के रंगवा एक के बाद, इसके हजारों प्ले हुए हैं पूरे देश में, तो हम लोग साथ में थिएटर से जुड़े हुए रहे और इनके डायरेक्शन में मैं पिछली बार फिल्म जिसमें नायक हमारे भाई पवन सिंह ही थे और मैं भी एक कैरेक्टर किया था, तो पहली बार इनके डायरेक्शन में काम किया, ये दूसरी फिल्म है मन चंद्रभूषण मणि जी के निर्देशन में। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो भोजपुरी सिनेमा में बतौर प्रोड्यूसर एंट्री किए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत खुशी की बात है, सबसे बड़ी खुशी की इस बात की है कि वो हमारे गया जिला से आते हैं और ये पोलैंड में रह करके भी अपना संस्कार नहीं भूले और फिल्म भी शुरुआत की तो इन्होंने भोजपुरी में की, ये चाहते तो हिंदी में भी बना सकते थे। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे हमारे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह का बीच में भोजपुरी माहौल थोड़ा सा बिगड़ा था, अब धीरे धीरे सुधार हो रही है भोजपुरी में और इस फिल्म को ऐसी फिल्म बन रही है, ऐसी कथानक है, सब कुछ बेहतर है कि आप पूरे परिवार के साथ बैठ करके देख सकेंगे स्वाभिमान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिनेमा को लेकर भोजपुरी भाषा को लेकर आपको क्या राय है, किस नज़रिए से आप भोजपुरी सिनेमा को देखते हैं? देखिए भोजपुरी सिनेमा जहाँ तक नज़रिए का सवाल है, भोजपुरी कई प्रोड्यूसर ने कई लोगों ने डायरेक्टर ने फिल्म बनाया, जहाँ तक मेरा स्वाभिमान फिल्म की बात है, इसको हमने अलग ही चेंज करने के लिए इस भोजपुरी जो हमारी भाषा है जो मातृभूमि है इसको हमने इस स्वाभिमान फिल्म में दिखाया है कि हमारी भोजपुरी जिस मिट्टी से जिससे हमने जन्म पल हम पालन जिसका हमारी जन्म हुई है हम उसको उस तरह से दिखा रहे हैं इस भोजपुरी को और इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे। क्या संदेश मिलेगा भोजपुरी समाज को और भोजपुरी देखने दर्शकों को? इस फिल्म के माध्यम से भोजपुरी सिनेमा में लोगों को यही संदेश मिलेगा कि जो हमारी पुरानी कल्चर जो बाबा परदादा का था, जो उनकी स्वाभिमान था, वो परंपरा को अभी भी कायम है और ये रियली जब ये पर्दे पे आएगी तो चाहे माँ हो, बहन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, भाई, सब इसको प्यार से देखेंगे और कहेंगे वाह क्या स्वाभिमान है। बात करें फिल्म मेकिंग की तो आप जैसे एनआई हैं तो आप हिंदी में फिल्म बना सकते थे, आप पोलैंड की भाषा में फिल्म बनाते, भोजपुरी भाषा में फिल्म बनाने के क्यों चुना आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं भोजपुरी सिनेमा इसलिए चुना क्योंकि मैं एक एनआरआई होने के नाते मैं बिहार से गया जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं बिहार की संस्कृति जो कल्चर है जो रीति रिवाज है मैं इसको विदेश में दिखाना चाहता हूँ, यूरोपियन कंट्री, लैटिन अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है और वहाँ की संस्कृति को आदान प्रदान भी यहाँ करेंगे इस फिल्म में, इसीलिए मैंने भोजपुरी सिनेमा चुना। आगे भी फिल्मों का निर्माण करते रहेंगे? जी हाँ, आगे मेरे फिल्म काफ़ी आने वाले हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकते, अभी हम इस फिल्म को पहले शूट करेंगे और जैसे ही ये शूट फाइनल होगा हम आप ये फिल्म को हम 12 अगस्त को रिलीज करेंगे। इसमें कौन कौन कलाकार नजर आएंगे पवन जी के साथ? इस ये कलाकार की जहाँ तक की बात है पहले तो हमारे महानायक सुपरस्टार पवन जी,
जहाँ तक एक्ट्रेस की सवाल है, ये डिंपल सिंह, अंजना सिंह और हमारे एक ये बिहारी जी हैं, मैं खुद बड़े भाई का रोल कर रहा हूँ और ये मेरे बड़े भाई जो विलन का रोल कर रहे हैं वो आपके सामने ही हैं, और इसमें 6-7 और हीरोइन हैं। एक हीरो ढेर सारे हीरोइन है, ये क्यों, क्या नहीं नहीं ये चरित्र है सर, अलग अलग करेक्टर, अलग अलग करेक्टर, अलग अलग पार्ट है, कुछ गांव का है, कुछ ऐसा है, हम पूरी फिल्म को अभी नहीं बता सकते, मजबूरी है, लेकिन ये जहां तक कि हीरोइन की ज़्यादा सवाल ऐसा नहीं है, अलग अलग करेक्टर है सब, जिसमें माँ है, बहन है, भाभी हैं, आपके बेटी हैं और किसी की पत्नी है, कोई हीरोइन है, कोई गर्लफ्रेंड, इस तरह से हम लोग को मैंने एक महिला को लेके सशक्त फिल्म बनाने की बड़ी अच्छा से सजाया है इसको। आपके किरदार में लेके बात की जाए तो कितना डिफरेंट दिखने वाला है और आपके अपोजिट कौन नजर आने वाली है? मेरे अपोजिट? जी हाँ। देखिए मेरे अपोजिट तो कोई भी हो, हूँ तो मैं खलनायक ही, वो कितनी महिला, देखिए महिला कभी खलनायिका नहीं बन सकती, बहुत सारे हमारे देश में एग्जाम्पल उदाहरण है, महिला हमेशा माँ बनी है, बहन बनी है, बेटी बनी है, लेकिन वो मुझे समझाती ज़रूर है कि आप अच्छे काम करो, लेकिन मेरा एक हर बुरा आदमी का एक ईगो रहता है, वो अपने आप को खुद को सबसे ज़्यादा बड़ा रावण समझता है, तो उस रावण के चक्कर में मुझे महिला समझाती कि आप रावण मत बनो, राम की छाया छत्र छाया में पलने की कोशिश करो, उस हिसाब से मुझे पिरोया गया, मैंने उसमें न्याय भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि दर्शक मुझे पसंद करे, हमारे फिल्म स्वाभिमान को मैं उस कोशिश में लगा हूँ सर। सर अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे भोजपुरी फैन के लिए बस यही है कि जिस तरह वो ताली और गड़गड़ाहट से, जिस तरह प्रेम से हमारी फिल्म को देखते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे फिल्म में अब पुरुष के साथ साथ महिला भी शामिल हो, स्वाभिमान के साथ, स्वाभिमान फिल्म से यही हमारा एक सोच बना कर चले हैं राम सर, कि हमारे फिल्म में पुरुष जितना भी भोजपुरी फिल्म देख रहे हैं उसको महिला भी देखें, इसलिए स्वाभिमान को पारिवारिक फिल्म बनाया गया है, सामाजिक फिल्म बनाया गया। मैं सभी भोजपुरिया समाज को और हमारे जो भी हमारे ऑडियंस हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि पवन जी जिस तरह से इंडस्ट्री में उनका नाम है, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से कि इस स्वाभिमान पिक्चर को प्यार दें और एक जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, माता हैं, बहनें हैं, उस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद। धावा जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। नावा जी सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि साल के शुरुआत में ही फिल्म इंडस्ट्री से अलग एक बड़ी पत्रिका देश की जो कि पूरे देश में लोकप्रिय है सरस सलील, उस मैगजीन के थ्रू आपको एक बड़ा अवार्ड मिला है। अब तक तो भोजपुरी सिनेमा ही अवार्ड करवाती थी, उसके अंदर अंतर्गत कलाकारों को सम्मान किया जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब एक किसी रामचीन लोकप्रिय पत्रिका ने अवार्ड कराया, उसमें आपको सम्मानित किया गया, ये भोजपुरी सिनेमा के लिए बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहो, कौन सा अवार्ड मिला, संस्था के बारे में बताइए। जी ये दिल्ली प्रेस, जो देश की सबसे बड़ी प्रेस हाउस है, दिल्ली प्रेस की सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिका सरस सलील का मुझे जूरी अवार्ड मिला है बेस्ट कॉमेडी के लिए, और ये अयोध्या में हुआ था, अयोध्या महोत्सव में, जिसके मुख्य संयोजक भाई बृहस्पति पांडे जी थे, और वो भोजपुरी के लिए बेहतर सोच रखते हैं, और बहुत जमाने के बाद जो मुझे जानकारी है निष्पक्ष अवार्ड कराते हैं लोग। ई टी वी बिहार एक बार बहुत पहले कराया था 2010 या 2009 में, और उसके बाद ये सरस सलील निष्पक्ष अवार्ड कराती है। तो सरस सलील जुड़े जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके बारे में बताना चाहे कि बृहस्पति पांडे जी के जो ऑफिसर्स हैं, मतलब उनसे जो उच्च पद पे लोग हैं, उनके निचले पद पे क्या कहना चाहो, कौन कौन लोग आए हुए थे और किनसे आपकी मुलाकात हुई? करीब करीब पूरा सरस सलील परिवार आए हुए थे, भानु जी थे, सुनील शर्मा थे, बहुत सारे लोग थे, अक्षय आनंद या कुछ ऐसे नाम है वो थे, बहुत सारे लोग थे, सबसे मिल के अच्छा लगा जी। उन सब में जो पदाधिकारी हैं सरस सलील, उनमें से सबसे ज़्यादा किससे ट्यूनिंग आपकी अच्छी रही, नया कॉन्ट्रैक्ट आप किससे बनाया?
ऐसा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, और मुझे अवार्ड दिया गया तो सब लोग पहचान रहे थे, मैं उनके मंच पे जाके अवार्ड लिया तो एक जान पहचान बढ़ी है नहीं। और बृहस्पति जी को मैं पहले से इसलिए जानता था कि पिछली बार भी इन्होंने अवार्ड भोजपुरी के लिए अवार्ड कराया था सरस अलील परिवार की तरफ से, तो उसमें सपोर्टिंग एक्टर का कैरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, बेस्ट कैरेक्टर का जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरस अलील जो अवार्ड है इस तरह से आयोजन किया और जिस स्थल पे किया, जिस नगर में किया, किस शहर में किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जो अपने आप में पवित्र है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलने जा रहा है। मैं सोचा कि हनुमान जी का और प्रभु श्री राम का दर्शन कर लूँगा और अवार्ड भी देख लूँगा, लेकिन यहाँ जूरी ने तो तय कर दिया था। अब मुझे बोला गया था कि आइएगा अवार्ड फंक्शन में, मैं गया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इस बात की खुशी है, मैं अपने गिरेवा में झाँक कर देखता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, और इस बात की खुशी ज़्यादा है कि इस अवार्ड को मैं ख़रीदा नहीं हूँ, ये अवार्ड खरीद फरोख्त वाला नहीं है, ये मेरी माँ के आशीर्वाद का प्रतीक है, अरे मैं अपने चाहने वालों को समर्पित किया भी हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, नई फिल्म की शुरुआत हुई है हमार स्वाभिमान, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म की शुरुआत हुई है और जिस तरह शूटिंग शुरू हुई है तो इस फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ शुरू है? सबसे पहले तो मैं भोजपुरी सिनेमा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और आभार उन सबका जो सर ने फिल्म बनाई। अभी बहुत नया सोच है उनका, क्योंकि एक यहाँ से जाके, अपने बिहार से जाके NRI बन के वहाँ पे काफ़ी तकलीफें करके, लेकिन उन्होंने एक सपना सजाया था कि मुझे कुछ करना है अपने ही देश में, अपनी मातृभूमि में। तो उन्होंने वापस आके, देखिए बहुत तकलीफ़ से फिल्में बनती हैं, उन्होंने पैसे कहाँ कहाँ से कैसे करके लाए, फिल्म बनाई। और फिल्म में सबसे पहली बात मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो पावर स्टार पवन जी हैं, उन्होंने फिल्म को जान भर दी है, और वो होते ही फिल्म का तो आप समझते हैं कि फिल्म अलग लेवल पे चली जाती है, क्योंकि उनका फ़ैन इस कदर है कि जैसे हमारे बॉलीवुड के सलमान खान, उनसे भी कहीं ज़्यादा ऊपर हमारे पवन जी के फ़ैन हैं। क्योंकि मैं जहाँ भी शूटिंग में जा रहा हूँ उनसे, मैं दो फिल्में कर रहा हूँ अभी, एक तो मेरा भारत महान, अभी मैं स्वाभिमान कर रहा हूँ सबके साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके फ़ैन जो हैं बिल्कुल सरल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और वो बिना पवन जी के उनको मज़ा नहीं आता है। वो जहाँ भी हम लोग शूट पर जाते हैं वहाँ पर एक ही बात आता है, पावर स्टार पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह, पवन जी आला, ये मज़ा आता है। आपका किरदार क्या है? मैं सर जीवन में कभी मुझे हीरो तो मिला नहीं, खलनायक ही करता हूँ, और बुरा काम ज़रूर करता हूँ फिल्मों में, बाहर में बहुत अच्छा आदमी, और मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा गया है, मणि जी ने इस फिल्म को लिखी है और हमारे सर राम जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, और मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला कि मुझे एक अच्छा सा खलनायक बना के पेश किए हैं। अब मैं कितना बुरा काम करूँगा पर्दे में आने के बाद ही पता चलेगा। जैसे आपका लुक अभी यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ जी, आमिर खान साहब का एक लुक ऐसा वायरल हुआ था, तो कहीं वो गेटअप आपने लिया है या कोई ऑडियंस ये मैच हो गया है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, जैसे मैंने फिल्म अभी बॉलीवुड फिल्म दरबार, सत्यम में जयते, पानीपत, अब अभी मेरी एक सीरियल शो चल रहा है हिल्ला बाई होलकर, इसमें विलेन हूँ मैं। मुझे रजनीकांत जी ने भी कहा था कि यू आर लुकिंग लाइक आमिर खान, तो मैंने एक ही बात कहा था, पता नहीं क्यों मिलता है या नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन एक बात है कि मुझे यहाँ पे आमिर खान नहीं, मुझे का रईस खान बना के पेश किया गया, बहुत अमीर ज़्यादा हूँ, बहुत अय्याश आदमी हूँ, लेकिन इस अय्याश आदमी को ठिकाने लगाते हैं पवन सिंह जी, और हमारे जो पवन सिंह के बड़े भाई का कैरेक्टर खुद निभा रहे हैं हमारे राम शर्मा जी, क्योंकि वो कहते हैं ना
विपरीत बुद्धि, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वही हाल मेरा है इस फिल्म में। सर फिल्म सर आप हैं तो पवन जी के साथ आप पहली बार आप मतलब फिल्म कर रहे हैं एज ए कैरेक्टर में, साथ क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस फिल्म के प्रोड्यूसर तो पहले हूँ, जहाँ तक कैरेक्टर का सवाल है उनके साथ फिल्म करने में बहुत मज़ा आ रहा है और मैं इस फिल्म में उनके बड़े भाई के रोल में हूँ और एक ठाकुर जमींदार का रोल में। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये मुझे नहीं लगा था कि इनका पर्सनालिटी देख के जो निर्माता बने हुए हैं तो निर्माता लोग काफ़ी एक्ट नहीं करते, इन्होंने अपने जो कैरेक्टर चरित्र को इस तरह निभाया है, पर्सनालिटी जो दिखती है इनकी, हाइट पर्सनालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है और फिल्म में जो डायलॉग डिलीवरी इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ हमारे जो डायरेक्टर फोटोग्राफी देवेंद्र जी हैं, बाबा जी इनको कहा जाता है ना, धनंजय भैया हैं, काफ़ी लोग ने इन्हें सराहा भी सेट पे कि ये बहुत नए आदमी हैं लेकिन इतना अच्छा एक्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी मिलती है एक नया आदमी आके इस तरह एक्ट करता है। सर पवन जी की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? पवन जी के बारे में तो क्या कहना, वो एक इंडस्ट्री के एक महानायक हैं हमारे, खासकर भोजपुरी सिनेमा के मैजिक स्टार और जिसको कहते हैं सुपर स्टार। यस, तो जिधर भी जाते हैं पवन जी, पवन सिंह और सब जगह पवन सिंह, पवन जी, जो जिनका नाम ही पवन है वो तो है ही पवन। यस, बात कर सर भोजपुरी सिनेमा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।